क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ द मीडियन इज 31। मीडियन जो है 31 गिवन है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि सीएफ निकाल लेंगे। सीएफ कैसे निकालते हैं, फाइव का फाइव आ जाता है, 5 + x, 5 + x आ जाएगा, और 5 + 6, 11 + x आ जाएगा। 11 में वाई प्लस करेंगे तो 11 + x + y, 11 में 6 प्लस करेंगे फिर 17 आ जाएगा, 17 + x + y, 17 में 5 प्लस करेंगे तो 22 + x + y। अब क्या करना है कि ये जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है वो इसके इक्वल है, ठीक है, यानी कि 22 + x + y इक्वल टू 40। x + y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x + y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x + y इक्वल टू 40 - 22, x + y इक्वल टू 18 आ जाएगा। तो इसको इक्वेशन आप 1 ले लो। अब मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास कैसे निकाली मैंने, मीडियन क्या दिया था 31। 31 किस कौन सी क्लास इंटरवल्स में आता है, 32 40 की इंटरवल्स में आता है 31, इसलिए यही वाली मीडियन क्लास हो गई। मीडियन क्लास के सी एफ जो है, सी एफ प्रीवियस वाला सी एफ ले लेते हैं, जो भी मीडियन क्लास है उसके प्रीवियस वाला सी एफ होता है। एंड एफ क्या होता है, एफ ये वाला होगा, एफ होगा वाई, ठीक है। एंड एल क्या होगा, एल इज लोअर लिमिट। तो फॉर्मूला है एल प्लस n/2 - CF अपॉन में F इंटू हाइट, ठीक है। हाइट हो गई है क्लास साइज, इसके अंदर का क्लास साइज क्या है, 10 है, यानी कि इन दोनों के बीच में कितना गैप है, 10 का गैप है, तो हाइट हो गई 10, क्लास साइज भी बोलते हैं उसको। F हो गया y, n/2 क्या होगा, n/2 ये होता है टोटल का, जब मीडियन क्लास निकालते हैं तो n/2 करते हैं ना, तो 40/2 तो 20 होगा, CF 20, n/2 20 हो जाएगा। लोअर लिमिट कितनी थी, 30 + n/2 कितना आया 20, एंड माइनस CF कितना, 11 + x है, क्योंकि वो माइनस लगा है, 11 - x कर देगा इसको, और अपॉन में एफ कितना है, एफ है वाई इंटू 10, और यहाँ मीडियन कितना गिवन था 31। अब देखो वन यहाँ पे माइनस यहाँ पे ले आएंगे इसको तो 1 ही बचेगा, है ना, ये वाला वैल्यू, इसमें 20 - 11 हो जाएगा 9, माइनस एक्स अपॉन वाई इंटू में 10 इसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल, क्योंकि 31 से 30 माइनस कर दिया तो 1 आया। अब y को भी उधर भेज देंगे, ठीक है, y हो जाएगा एंड 10, 9 - x हो जाएगा, 10 9 90 - 10x = y, ठीक है, माइनस ये वाला उधर ले जाएंगे, 10x + y = 90। इस वैल्यू से हम y की वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगा y की वैल्यू बताओ, x + y = 18 एंड y = 18 - x,
तो ये वाली वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे हम? इस y में पुट कर देंगे, 10x प्लस 18 माइनस x इक्वल टू 90, 9x आ जाएगा इधर और 18 वहां जाके माइनस होगा, तो 90 से 18 माइनस होगा तो 272 आएगा, 72। एक्स की वैल्यू क्या आई आपके पास? 8। अब एक्स एक्स प्लस वाई कितना निकाला था हमने इक्वेशन वन में? 18। ये देखो एक्स की वैल्यू 8 है तो वाई की कितनी हो गई? 18 माइनस एक्स करेंगे, इसका मतलब 18 माइनस 8, वाई की वैल्यू कितनी हो गई? वाई की वैल्यू हो गई 10। तो ये एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी थी इसमें।